दोस्तों आपको बता हुआ लेबर कार्ड वालों का और ई श्रम कार्ड वालों को जो पैसा है वो दिसंबर से मार्च तक अभी तक पैसा आता रहा है और 2000 रुपये लोगों को मिले हैं, एक बार 1000 मिला और दो बार 500 मिले हैं, जिनको काफ़ी लोगों को पैसा मिल चुका है। तो वो लोग कह रहे हैं कि सर ये पैसा अब की इस महीने में नहीं आया, क्या आगे मंथ में मुझे पैसा मिलेगा या फिर अभी तक पैसा क्यों नहीं आया, क्या पैसा बंद हो गया है? तो इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों जिनका पैसा आ चुका है उन्हें तो सोच रहा है कि मतलब जैसे मतलब हर महीने में पैसा आएगा, तो मैंने सोचा है सुबह वीडियो सुना जाए, सभी लोगों को बताया जाए अभी अब की बार जो पैसा इस मंथ में आएगा या फिर नहीं आएगा, या फिर सरकार इतना ही पैसा दिया उतना ही देगी, या फिर जिनका पैसा नहीं आया है बिल्कुल 1 रुपये भी उनको कैसे मिलेगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखें, जब भी आपको अच्छे से डिटेल समझ में आएगी। उससे पहले दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में दोस्तों वीडियो की लाइक कर दें, क्योंकि तुम्हारा भाई दोस्तों यहाँ पे जन्म वीडियो लाते रहता है। अब आप जिले में डिटेल में समझाते हैं, क्यों ना दोस्तों आपका लेबर कार्ड हो क्यों ना वो ई श्रम कार्ड हो, पैसा दोनों पे बराबर आया है 2000 रुपये। बात ये करते हैं जो पैसा 2000 रुपये मिल गया है, अब ये पैसा मतलब जो तो मिल गया अब आएगा या नहीं आएगा इस मंथल में। तो दोस्तों अब ये पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि सरकार ने इलेक्शन से पहले ही कहा था, जब भी पैसा आना शुरू हो गया था, जो 2000 रुपये है वो दिया जाएगा, 2000 रुपये का सरकार की तरफ से बजट पास हो गया, सरकार का जो भी है नियम पूरा हो चुका है। सरकार ने इतना ही कहा था कि हम 2000 रुपये मार्च तक देंगे, लेकिन सरकार ने इससे पहले नहीं कहा था कि जो हम 2000 रुपये वो भी देंगे या फिर एक्स्ट्रा देंगे, मार्च बाद भी पैसा देंगे। तो ये पैसा 2000 रुपये था वो लोगों को मिल गया है, अब आगे सरकार ने नहीं कहा है ना तो आगे आपको पैसा मिलेगा, अब आगे मतलब हो सकता है अगले ईयर में मिले या फिर 5 महीने बाद मिले, मगर लेकिन अभी ये पैसा आज अगले महीने में नहीं मिलेगा। सरकार जो कहती है मतलब उतना पैसा आपको दे दिया जो भी मतलब बजट पास किया था, अब ये पैसा नहीं आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे अच्छे से, आगे कभी भी आ सकता है उसका तो पता नहीं, लेकिन अब नहीं आ सकता है, अभी बाकी पैसा दोस्तों बंद कर दिया गया है आना। अब दोस्तों जिनका मान लो अब तो पैसा आएगा नहीं, जिनको मिल गया जिनको मिल गया, लेकिन जिनको पैसा नहीं मिला क्या उनका बकाया लोगों का आ सकता है? तो जी दोस्तों ऐसा भी नहीं है, जिनका पैसा अगर नहीं आया चाहे वो ई श्रम कार्ड का ना हो ना वो लेबर कार्ड का हो, पैसा अगर आपका नहीं आया तो आपको बकाया पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि बकाया वाला पैसा नहीं आता है। जिनको मिल गया मिल गया मतलब, नहीं तो मिला तो कोई बात नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम से कारण नहीं मिला या फिर कोई और भी दिक्कत होगी तो हो सकता है उसके कारण ना मिला, लेकिन आगे आप प्रॉब्लम सही करवा लें, अभी जल्द आगे आने वाले समय में जो पैसा है वो आ सकता है वो आपको मिल सकता है, लेकिन ये बकाया पैसा आपका रहा है तो उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। जिसको मिल गया कोई प्रॉब्लम के कारण किसी भी गलती के कारण नहीं आया उसका तो पता नहीं है, लेकिन बकाया लोगों को पैसा आप नहीं दिया जाएगा। आगे आप भविष्य में ये प्रॉब्लम को सही करवा लें, आगे कभी भी सरकार अगले ईयर में इस प्रकार आर्थिक स्थिति में पैसा दे सकती है या फिर और 5-6 महीने बाद दे सकती है। तो आप अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसको पैसा मिल गया अब ये पैसा नहीं आएगा, चाहे वो बकाया पैसा हो क्यों ना वो आपको मतलब ये मतलब मिल चुका हो आगे मंथ वाला मिलना हो, क्योंकि अब सरकार की तरफ से ये पैसा आना बंद हो गया। ई श्रम कार्ड लेबर कार्ड ये पैसा सिर्फ आर्थिक स्थिति में आता है, सरकार कभी भी किसी भी समय दे सकती है लॉकडाउन जैसी स्थिति में। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको अच्छा कुछ सीखने को मिल गया होगा। वीडियो में डाउट अगर कोई भी कंफ्यूजन आपको लग रहा है तो आप कमेंट कर सकते थे। तो मिलेगा हम किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक थैंक यू सो मच।